हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा इजी सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस केबल डिज़ाइन को आप लेडीज़ के, गर्ल्स के, बेबी के, जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिज़ाइन बन के आता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा। जैसे पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, इसी तरह से फंदे डालते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। 6-6 के हिसाब से आप फंदे डालिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए। राइट साइड से ये इस तरह से नज़र आता है और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से नज़र आएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और बहुत ईजी डिज़ाइन है। अगर आप इसको जेंट स्वेटर में डालना चाहते हैं तो जो नीचे बॉर्डर है, ये बॉर्डर लेडीज और गर्ल्स के लिए है। आप बॉर्डर और कोई बॉर्डर डाल के फिर ऊपर इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए डालना है तो आप ऐसे कोई भी बॉर्डर, इस तरह से जिग जैग में कोई भी बॉर्डर बना के ऊपर इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। नॉर्मल मैंने वूल ली है और यहाँ पे 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3-ply वूल में तो आप वहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिज़ाइन बहुत प्यारा सा बन के आएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यह डिज़ाइन कैसे बनाया गया। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं, 6 × 3 = 18 और 2 = 20। 20 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 6 के मल्टीपल में डालते हुए 2 फंदे प्लस किए हैं, 6 × 3 = 18 और 2 = 20। तो फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो है। अब अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालते हैं बॉर्डर बनाने के बाद, अगर किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, राइट साइड से डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो ये फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फंदा है एच स्टिच। इसको उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं इनमें डिजाइन डालेंगे, तो इस 1 फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे, 1, धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। तो 1 फंदे से 3 फंदे बन गए। अब इस फंदे के भी 1 से 3 बनाएंगे, 1, धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 6 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदे से 3 बनाएंगे, फिर से 1 से 3 बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 6 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो फिर से 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों के 1 फंदे से 3 बनाएंगे, 1 फंदा, धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। अब इसको उतारेंगे, फिर से 1 से 3 बनाएंगे, 1, धागा घुमाएंगे ऐसे 2, फिर से बनाएंगे 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फंदों का रिपीट सेकंड बार कंप्लीट हुआ। फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से 1 से 3 बनाएंगे, 1, धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। इन फंदों को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, 1, धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो 3 रिपीट हमारे कंप्लीट हुए। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही बनाते जाइएगा, धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच फंदा सीधा बनाएंगे। तो फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ, सेकंड रो में रोंग साइड। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट फंदा है स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए जो ये 1 फंदे से 3-3 फंदे हमने बनाए हैं, इन फंदों को बुनेंगे नहीं, इनको ऐसे स्लिप करेंगे,
फिर से इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब जो बीच के चार फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, एक दो। तो देखिए ये एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं छह फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो दो फंदे उल्टे, फिर से इनको स्लिप करेंगे, एक से तीन बनाए थे इन फंदों को बुनेंगे नहीं, फिर से ये बीच के चार फंदे उल्टे। अब फिर से इनको स्लिप करेंगे, एक दो, फिर से इनको स्लिप करेंगे। अब इस फंदे को फिर से उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए राइट साइड तीसरी सिलाई में, फर्स्ट फंदा एच स्टिच है इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये दो फंदे यहाँ पर उल्टे थे तो इसमें से एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब फंदों को चेंज करेंगे, जो फंदा इसके साथ में है इसको अंदर की तरफ करेंगे और ये एक से तीन बनाए थे इसको बाहर करेंगे। तो यहाँ से आगे से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से इन तीन फंदों में, यहाँ से सिलाई डाल के इसको थोड़ा सा लूज करेंगे ऐसे, और इस फंदे को निकाल लेंगे इसको अंदर की तरफ करेंगे। अब यहाँ से इसमें डाल लेंगे और इन तीन फंदों का एक फंदा बैक लूप से सीधा बनाएंगे ऐसे। अब जो ये फर्स्ट फंदा था इसको सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये एक से तीन बनाए थे, ये साथ में उल्टा है, उल्टे फंदे को बैक लूप से ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और ये तीन फंदे हैं इनको निकाल लेंगे और इस नीडल में डाल लेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे। अब इसको सीधा बनाएंगे। अब जो ये एक से तीन बनाए थे इसके बैक में सिलाई डाल लेंगे ऐसे और तीन का एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ। अब दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इसके साथ में ये उल्टा फंदा है, ये एक से तीन है, इस फंदे को यहाँ से सिलाई डाल के इसको निकाल लेंगे और इस उल्टे फंदे को अंदर की तरफ करेंगे। अब इसको वापस इसी सिलाई में डाल के बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे। अब ये फंदा है इसको सीधा बनाएंगे। अब ये एक से तीन वाला है, ये उल्टा फंदा है, उल्टे को अंदर की तरफ करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। जो ये एक से तीन फंदे बनाए थे इनको वापस इसी निडल में डाल लेंगे, इसको अंदर की तरफ करके इसको सीधा बनाएंगे। अब ये तीन वाला फंदा है इसको बैक लूप से सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये एक उल्टा फंदा है इसको अंदर करेंगे, जो ये तीन तीन फंदे हैं एक फंदे से बने हुए इसके अंदर ये दो फंदे करेंगे, एक ये एक वह ये, इसको यहाँ से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से ऐसे डाल लेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, इसको डाल लेंगे सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे को बैक लूप से लेंगे, इसको निकाल लेंगे और यहाँ से सिलाई में डाल लेंगे, इस तरह चेंज करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। अब ये इसमें सिलाई डाल लेंगे और इसका तीन का एक फंदा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एच स्टिच सीधा। तो डिजाइन की तीसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड उल्टी तरफ चौथी सिलाई में, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है और चार सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत ही सुंदर सी ये केवल हमारी बन के आएगी, केवल डिजाइन बन जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, लेडीज स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, फ्रॉक में डालिए, कैप में डालिए, किसी में डालिए, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आएगा। सॉक्स वगैरह में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये चार सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई और डिजाइन हमारा इस तरह से ये बन के आ गया। अब फिर से बनाएंगे तो फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी,
एच स्टिच उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, दो में डिजाइन डालेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, फिर दो में डिजाइन डालेंगे। सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई थी। जब आप इन चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन बन के आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।